हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे हमने आटे से बनाया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आइए देखते हैं इसे हमने किस तरह बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका बेस बनाएंगे। इसके लिए हम एक कप आटा, एक कप मैदा एक बड़े बर्तन में लेंगे। इसमें एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम एक कप दही मिलाएंगे और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएंगे। इन्हें भी मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो तैयार है, अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। इस बीच हम सब्जियों की तैयारी कर लेंगे। सब्जियों में हम रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च, हरी मिर्च, कॉर्न और स्लाइस किए हुए प्याज लेंगे। कैप्सिकम को भी हमने पतले स्लाइस में काटा है। 15 मिनट हो गए हैं, अब दो को हम चार बराबर भागों में बांट लेंगे। एक बॉल लेंगे और इसे चपाती के शेप में बेल लेंगे। इसे चपाती से थोड़ी मोटी बेलेंगे। फोर्क से प्रिक कर देंगे जिससे कि बनाते समय ये फूले नहीं। अभी पिज़्ज़ा बेस तैयार है। तवा गरम करेंगे, गैस को हम स्लो रखेंगे और प्रीक किए हुए साइड को हम तवे पर रखेंगे। इसे धीमी आंच में 3 से 4 मिनट सेक लेंगे। सिक जाने पर इसे बाहर निकाल लेंगे। जिस साइड हमने सेका है उसे ऊपर रखेंगे। इस पर बटर स्प्रेड करेंगे। और टोमेटो सॉस स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। सॉस लगाने के बाद हम मोज़रेला चीज़ ग्रेट करेंगे। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे। अब ग्रेटेड चीज़ के ऊपर हम स्लाइस्ड ऑनियन सजाएंगे, इसके ऊपर कॉर्न सजाएंगे, और कैप्सिकम भी सजा देंगे। हरी मिर्च भी छिड़क देंगे। ऊपर से हम चीज़ ग्रेट कर देंगे। चीज़ के ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे। तवा गरम करेंगे, आंच मध्यम रखेंगे और पिज़्ज़ा को उसके ऊपर रख देंगे और ढककर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। देखिए अच्छी तरह रोस्ट हो गया है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। इस रेसिपी को हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इस पिज़्ज़ा को हमने तवे पर बनाया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा ही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।